हेलो। हाँ जी, अभी आपसे बात हो गई थी। आपको कहा था नेक्स्ट स्ट्रीम में जुड़ेगा, वापस क्यों आए सर? क्यों क्यों बोले तो आप, मैं स्ट्रीम देख रहा था कि उसमें मैं आप जो सवाल उठाया है ना कि अल्लाह की अल्लाह सुबहाना व तआला की अल्फाज में चेंजेस नहीं होते, जो टॉपिक के ऊपर ही बात कर रहा हूँ, मैं टॉपिक के बाहर बात नहीं कर रहा हूँ। मैडम सर तो सुन रहे हैं ना आप? बात करो भाई। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो आई आई मैं वो मानता हूं, मगर वो तोरा जबूर इंजील एक्सोडस जेनेसिस ये नहीं हो सकते, सैम्स देखो, नहीं हो सकते, कुरान की कोई भी आयत ये बता दो, गॉस्पल्स नहीं हो सकते। एमडी यूसुफ, कुरान की कोई भी आयत ये बता दो जो कहे कि वो ये नहीं हो सकते। अरे पिरा पिरा के वही बात बोल रहे, हर ओके okay. चीज चलो कुरान फिर ऐसा मजीद में। करो, अब ऐसा देखो करो, ऐसा ए करो, प्लस बी कोई होल बात नहीं, स्क्वायर कोई बात नहीं एमडी यूसुफ, कोई बात नहीं। दिखाओ। आप ऐसा करो, जो असल वली तौरात और इंजील है वो दिखा दो, जाओ। मैं मानता हूं कि अल्फाज चेंज नहीं है, ठीक है, ओके मगर वो वो दिखा दो कहां पर ना। है? हाँ वो कहां पर नहीं है? अल्लाह सुबहाना तआला ही तो नोज द फिर बेस्ट। ओके, नो ही डजंट नो द बेस्ट, आई नो द बेस्ट एंड आई नो द बेस्ट एंड आई एम टेलिंग यू कि वो यहां पे है, क्योंकि इसके अलावा दुनिया में कोई तौरात और इंजील है ही नहीं। या तो मुझे दुनिया की कोई और तौरात और इंजील दिखा दो, या आई नो द बेस्ट अल्लाह डजंट नो द बेस्ट, दोनों में से एक चीज पिक करनी पड़ेगी आपको। देखो आप ऐसा बात आप बोले कि अच्छा बात करे तो मैं अच्छा बात करूंगा, फिर से आप बोल रहे मैंने क्या बोला? मैंने क्या, आई नो द बेस्ट? यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ अल्लाह सुबहाना व तआला। नो, आई एम एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ अल्लाह ताला। अल्लाह कैन नॉट इवन स्पीक, मैं स्पीक कर रहा हूं, अल्लाह तो बोल भी नहीं सकता, मैं बोल रहा हूं, आई नो द बेस्ट। या तो अल्लाह वाली तौरात और इंजील दिखा दो जिसको उसने कह के उसका कलाम चेंज नहीं हो सकता, और अगर नहीं दिखा सकते तो जो तौरात और इंजील है वही अल्लाह का कलाम है। You know what Jesus says? قال إني أعبد الله آتاني الكتاب وزاد. यार ये जीसस ने नहीं कहा, ये ईसा ने कहा है, तो मेक श्योर यूज द राइट वर्ड। जीसस ने नहीं कहा, ईसा ने कहा है। ईसा, आइन सीन या ईसा, ईसा इब्ने मरियम ने कहा है। नेवर एवर आपको यूज द एक वर्ड मालूम है जीसस, नेवर ये एवर, चीज? नेवर एवर, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, कुरान में आयत यूज पढ़ते वक्त कभी भी मेरे साथ आपने ईसा के अलावा कोई और वर्ड यूज नहीं करना, क्योंकि आपके कुरान को जीसस का नहीं पता था, वो सिर्फ ईसा का लफ्ज यूज करता है। यूज द वर्ड ईसा, प्लीज बोलिए। ईसा अपना मरियम, सन या ऑफ ईसा मेरी, इब्न हु इज द मरियम, सन ऑफ मेरी, यू टेल मी, ईस आप बोलिए। कुरान के मुताबिक उसका नाम ईसा है। वर्जिन मेरी, आज अल्लाह से ही इज द सन ऑफ मेरी, हु इज द सन ऑफ मेरी, यू टेल मी। मुझे नहीं पता कौन सी मेरी की बात कर रहा है, मेरी की बात ही भी नहीं है, मरियम की बात है। मेरी क्यों ला रहे हो बीच में? ईसा इब्ने मरियम, मरियम की बात हो रही है। ईसा रहो, मरियम रहो। और मरियम किसकी बेटी है? मरियम किसकी बेटी है? अमरान की। और मरियम का भाई कौन है? हारून। ये तो बात हो रही हाँ है मूसा के जमाने की, या उख्ता हारून, हारून की बहन, मूसा की बहन, बाप का नाम अमरान। और ये तो फर्स्ट किंग्स के अंदर जाओ तो पता लगता है ये तो मूसा की बहन की बात हो रही है, ऑल द वे देयर। तो मुझे नहीं पता ये ईसा कौन है और ये कहां पे आ गया है और ये मिक्स करेक्टर कहां से चला गया है। आई डोंट नो अबाउट देखो, दैट। आपने एक मिस्टेक किया इधर, वो मिस्टेक मैं अभी बताता हूँ। अब अभी ही बता दें, आरुन आरुन की बात, if someone have the name Arun, it doesn't mean it is from the Old Testament. आप समझ रहे बात को? अब क्या बोल रहे हो? आरुन बोल के, आरन की बात नहीं हो रही, हारून की बात हो रही। डोंट कॉल आरन, कुरान के मुताबिक हारून है। टॉक अबाउट हारून। if it Harun, it doesn't mean you are not getting my point. आप मेरे point को समझ नहीं पा रहे। Harun is, if his name is Harun, it doesn't mean that is related to the Old Testament, is not related to the Moses time. Okay, ये इज रिलेटेड टू द मॉडर्न टाइम। किसने कहा मॉडर्न टाइम से रिलेटेड नहीं है? कुरान कंफर्म करता है इस चीज को, हारून मूसा का भाई। मैं वही बोल रहा हूं, नाम से कैसा हो सकता है? नाम दे कैन कुरान वी में कैन पर एक भाई ये तो आप साबित करना ना, कुरान के जरिए साबित कर दें, बात खत्म हो गई मेरी और आपकी।
قرآن سے ثابت کرتے ہیں کوئی ڈفرینٹ ہارون ہے. آپ آیت آیت دکھاؤ. آیت میں دکھاؤ ثابت. بھائی آپ نے اس آیت کو ثابت نہیں کرنا, آپ نے کسی اور آیت کو ثابت کرنا ہے. آپ نے ثابت کرنا ہے ہارون فرق زدہ تھا کوئی. اب دیکھو آپ ایک چیز دھیان ذہن میں رکھ لو ایڈم سر. آپ دیکھو آپ آلریڈی یو میڈ اپ یور مائنڈ کی ناٹ ٹو بلیو. سو ہیلو ایون یہ بلشٹ نہیں چلے گی یہاں پہ. Don't call this bullshit. Made up mind نہیں ہوتا. آپ نے پروف کرنا ہے اور پروف کر کے جب بات کریں گے پھر مجھ سے بولنا, اس سے پہلے نہیں. اس لیے میں آپ کو بول رہا ہوں آیت پیش کرو اس سے آگے کا کیا ہے. میرا کام نہیں, وہ آپ کا کام ہے. آپ نے ثابت کرنا ہے وہ ڈیفرنٹ ہارون ہے. I exactly don't remember the reference. That is the reason I'm asking you. You understand? You have read the Quran. Even I have read the Quran, but I have not memorized it completely. Is that clear? So, kiska masla hai? To phir aap Aaron ko kisi aur Aaron sahab kaise karenge? Aap Aaron ko koi aur Aaron sabit kaise karenge? Abhi tak aap hi wo dekho. یہ لیں پکڑے, اس کو کوئی اور آئرن ثابت کریں. See what is written over there? Aaron. Hmm. Oh, sister of Aaron. Your father Aaron. Was not an indecent man, nor was your mother unchaste. جی. So if it is Aaron, yes, there is one person in the Old Testament, name has Aaron. Kisne kaha Old Testament Quran mein Aaron are, hello, Quran mein hai Aaron, Musa ka bhai Aaron Quran mein hai. There will be a possibility other person also who is having the same name. Kaun sa hai? آپ بات کو سمجھ نہیں پا رہے. ہلو, اسی چیپٹر میں یہ دیکھو, اسی چیپٹر کو جب نیچے آپ سکرول کرتے ہو آتا ہے and mention the book of prophets, the story of Moses, he was truly a chosen man, a messenger of the prophet, and we called him from the side of the mount, right, and brought him near the confiding, and we gave him out of the mercy his brother Aaron. قرآن کے اندر آرون موسیٰ کا بھائی ہے. اب میں کیا کروں؟ اسی صورت میں کسی اور صورت میں نہیں. 10 آیتوں کے بعد بتایا گیا ہے کہ آرون کون ہے, وہ موسیٰ کا بھائی ہے. اب آپ ہی دیکھو موسیٰ کا ٹائم پہ میری کیسا ہو سکتے. یہی تو بات ہے, میری ہو سکتا ہے نا, کیونکہ موسیٰ کی بہن کا نام تھا مریم. میری نہیں ہے, مریم. اگر آپ دیکھتے ہو کہ موسیٰ کی بہن کا نام مریم تھا, آپ رانگ وے میں انڈرسٹینڈ کر رہے قرآن پاک کو. آپ صحیح وے میں انڈرسٹینڈ کرا دیں. بائبل کے اندر مریم کی جو بہن, مریم جو بہن ہے وہ موسیٰ کی ہے, اور مریم ایک پروفٹ تھی بائبل کے اندر, تورا کے اندر. اوکے ٹھیک ہے, بائبل میں جیزس کرائسٹ. اوکے, پہلے اس کی بات کر رہا ہوں میں. یہ دیکھو ساری فیملی یہاں پہ اکٹھی ہے. یہ دیکھو عمران باپ ہے, ٹھیک ہے. اس کی بیوی نے بور کیے ایرن کو, موزس کو اور مریم کو. قرآن بتاتا ہے مریم کے باپ کا نام ہے عمران, مریم کے بھائی کا نام ہے ایرون. جب اور موسیٰ جو کہ محمد کو پتا تھا اس زمانے میں ہی تھا, موسیٰ کو سائیڈ پہ لگا کے, لیکن موسیٰ کے بھائی کا نام بھی جیکب بنا دیا, عمران بنا دیا. اب مجھے بتاؤ
कि बाइबल तो बताती है मरियम वाकई में हारून की बहन थी, और बाइबल बताती है मरियम के बाप का नाम भी इमरान था, कुरान भी बताता है मरियम के बाप का नाम इमरान था, सूरह आले इमरान, मरियम के बाप का नाम इमरान, मरियम के भाई का नाम हारून, तो मरियम तो असल में मूसा की बहन बनी। कुरान कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकता आलम भाई, बस नहीं हो सकता, लेकिन लिखा हुआ है हमने मानना नहीं है, जानना नहीं है, समझना नहीं है, वो एक सिंपल सी बात है। आई क्यों वो फिर ठीक है ठीक है ठीक है, ये देखो ठीक है ठीक है, बात समझना नहीं ठीक है है वो नहीं, सब नहीं, समझने की बात सुनो नहीं है। सुनो अब मुझे बताओ, अगर तोरा जो के वाकई में जो के मूसा कहा ये गया ना कि तोरा ये मूसा ने लिखी, राइट, जेनेसिस, एक्सोडस, नंबर्स, डिट्रोनमी, ये पांच किताबें लिखी हैं मूसा ने, मूसा खुद ये किताबें लिख के बोल रहा है कि मेरे भाई का नाम है एरन, मेरी बहन का नाम है मरियम, मेरे बाप का नाम है अमरान। मोहम्मद आता है मूसा के तकरीबन 2500 साल के बाद, और वो आके बोलता है कि मरियम जो के ईसा की माँ है उसके बाप का नाम है अमरान, और मरियम ईसा के भी 600 साल बाद आ रहा है। अब मुझे बताओ, और एक बात, आप जो बोल रहे ना, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, ड्यूट्रोनॉमी वाज रिटन बाय मोसेस, बट यू नो इन द और मैं जब बात करूं, बात खत्म नहीं करनी थी तुमने। मोहम्मद आता है ईसा के भी तकरीबन 600 साल के बाद, और वो आके बताता है नहीं, ईसा की माँ का नाम था मरियम और ईसा की माँ के बाप का नाम था अमरान, जबकि ईसा की माँ के बाप का नाम था जैकम, वो तो इमरान है ही नहीं, अमरान तो है असल में मरियम के बाप का नाम। मोहम्मद कंफ्यूज कर गया इस मरियम को जो कि एरन की बहन थी, और उस मरियम को जो ईसा की माँ थी। कुरान का राइटर कंफ्यूज कर गया दो मरियमियों में मरियम के अंदर, एक मरियम जो ईसा की माँ है और दूसरी मरियम जो मूसा की बहन है। ऑथर ऑफ द कुरान इन दोनों को कंफ्यूज कर गया। जब वो कंफ्यूज कर गया तो मरियम की माँ का नाम मोहम्मद को याद नहीं रहा बाप का नाम, तो उसने ईसा वाली मरियम की माँ का नाम, बाप का नाम मोहम्मद को याद नहीं रहा, उसने अमरान ही लिख दिया। इट इज कॉल्ड कंफ्यूजन। कुरान के अंदर ये बेसिक कंफ्यूजन है जो कि जब तक आप समझ नहीं सकते, जब तक आप ओल्ड टेस्टमेंट को पढ़ते नहीं है, तोरा को पढ़ते नहीं है, ये एक इतना बड़ा मसला है कि अगर आप तोरा को पढ़ो और फिर कुरान को पढ़ो तो आपको समझ लगती है कि इतनी बड़ी कंफ्यूजन है कुरान के अंदर कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। आप देखो एक चीज नहीं है, अगर आपको ना मरियम सिर्फ एरन की बहन थी तो चलो यार कोई एरन कोई और था, तो क्या उनके बाप का नाम भी अमरान ही था, वो भी कोई और इमरान था, यानी डबल डबल कोइंसिडेंस। और फिर मूसा के भाई का नाम भी एरन ही है, लाइक ये ट्रिपल लेवल की कंफ्यूजन कैसे चल रही है भाई। इनको वापस ऐड करते हैं। जी जनाब, अब आपको पूरी बात समझ लगी? जी मिस्टर एमजी यूसुफ। एडम सर, जी सर, मेरा आवाज सुनाई दे रहा आपको? जी सर, देखो, आप जो बोले ना कंफ्यूजन कंफ्यूजन, अब मैं तोरा में ही कंफ्यूजन, तोरा नहीं, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, ड्यूटोनॉमी, इन द लास्ट बुक मोसेस डाइड, इवन आफ्टर मोसेस डाइड सम चैप्टर्स वर रिटन, हु रोट द चैप्टर्स? एरन रोट इट, But you told all the five books were written by Moses. I just told you Aaron wrote it. उसके ऊपर आपको बताया गया हुआ है कि वो किसने लिखे हैं। कैसी बच्चे वाली बात करते हो? ये जो आपके ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये आर्ग्यूमेंट्स के आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस आपके ज्यूइश रैबाइज ने बहुत अरसे के दे दिए हमें, और आपके मुसलटे सिर्फ वही चीज रिपीट करते हैं। आर्टिकल्स पढ़ के मेरे पास आया करो, उसके अगेंस्ट जो आर्टिकल्स लिखे हैं वो भी पढ़ो, ठीक है? चलो जाओ बेटा। हाय रब्बा, एरन एक्सोडस के अंदर जब मूसा को बुलाया गया, एक्सोडस सॉरी जेनेसिस के अंदर जब मूसा को बुलाया गया और एक्सोडस के अंदर,
वहां पे ये क्लियरली लिखा हुआ है कि मूसा को अल्लाह ने सॉरी, ओह माय गॉडनेस, सॉरी 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 सॉरी, मोसेस वाज सेड टू बी कि मोसेस यू आर एलोहिम, तुम रब की तरह तुम्हें भेज रहा हूं मैं, किसके पास, तुम्हें रब की तरह भेज रहा हूं मैं, फेरो के पास, फिराउन रैमजी III के पास, तुम्हें रब की तरह भेज रहा हूं, एज एन एलोहिम, मैं तुम्हें एलोहिम बना के भेज रहा हूं वहां के रब के ऊपर, और तुम्हारे भाई एरन को तुम्हारा नबी बना के भेज रहा हूं। जुइश भाई जरा मुझे वर्स याद कराना जहां पे मूसा वॉज कॉल्ड एलोहिम कि तुम्हें एलोहिम बना के भेज रहा हूं। कौन सा सॉरी कौन सा क्या क्या करना है बताइए। मूसा एक्सोडस 7 के अंदर, एक्सोडस 7 के अंदर, एक्सोडस 7 में ना मूसा को एलोहिम कहा गया था कि यू विल बी एलोहिम ऑन फेरो एंड एरन विल बी योर प्रॉफिट, राइट? एक्सोडस 7 खबाब, जस्ट अ मिनट, एक्सोडस 7 में हम देख लेते हैं, अभी देख लेना आप चाहो तो इसको। एक्सोडस 7 में मुझे बताइए वहां पे लफ्ज एलोहिम ही है ना? Yes, Elohim. हाँ, Elohim ही है। Exodus 7 की verse number 1 के अंदर मूसा को कहा गया कि तुम फेरो के पास जा रहे हो और फेरो अपने आप को एलोहिम बोलता है, मैं रब, मैं यहोवा, यहोवा तुमको एलोहिम बना के भेज रहा है टू द फेरो। आदम सर मिल गया, मिल गया, इसको शेयर करें जरा, करें करें करें, शेयर कर ले इसको जरा, करें सर, मैं मैं तुम्हें एलोहिम बना के भेज रहा हूं उसके सामने जो अपने आप को एलोहिम कह रहा है, और तुम्हारे भाई एरन को मैं तुम्हारा प्रॉफिट बना के भेज रहा हूं। ये देखिएगा, ये आ गया, मिल गया, आ गया। चैप्टर 7 वर्स, द लॉर्ड सेड टू मोसेस, सी आई हैव मेड यू अ लॉर्ड ओवर फरो एंड एरन योर ब्रदर विल बी योर स्पीकर। वयो मेरा नाम है मोशे नबी बनाया तुम्हारा और तुम्हें रब बनाया मैंने, अब मैं तुम्हें भेज रहा हूं। अरे सर मान गए, आपकी नॉलेज बहुत प्यारी है, रियली वंडरफुल। एरन तो बेसिकली मूसा से जो एसोसिएट हो रहा है, लिखने वाला के मूसा ने लिखा, मूसा माइट बी जस्ट स्पीकिंग, एरन माइट बी राइटिंग, मूसा इज द लॉर्ड, ही इज द रब, फैरो के ऊपर रब बना के भेजा है, एलोहिम बना के भेजा है, नबी तो एरन बनाया, किसका नबी, मूसा का, किसका नबी, मूसा का, एरन को फैरो के सामने भेजा रब बना के। That's how it works. अरे मुसल्टो पैदा तो हो जाओ फिर आना। Wonderful, wonderful. Very nice to be with you. Very, very nice to be with you. Okay. एक बंदे बंद करते हैं। ये भी रहने दे। यही रहने दे। यही रहने दे। फरुख शाह। अच्छा। Hello, Adam sir. जी sir. मुसलमान है sir आप? नहीं मुसलमान नहीं हूँ मैं। आपका है ना? Hello. हेलो सर, बाद में जुड़िएगा प्लीज सर। आपको मैं एक सजेशन देना था, मुझे ईमेल में भेजिए सर। सलमान खान, हेलो एडम, आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड आई वांट टू टेल यू हियर मुस्लिम्स डूइंग जिहाद एवरी डे। आप मुसलमान हैं? दफा हो जाए सर। A to Z sir, welcome. यहाँ पे logical सवाल किया जाएगा या सिर्फ last में? सर अगर आपको ऐसा लगता तो आपको आना ही चाहिए था, निकल जाएं सर आप, बहुत मेहरबानी आपकी। यानी कि मैं उस वक्त से डेटा पे डेटा दिखा रहा हूँ और मैंने कभी blasphemy नहीं की, मैं दिखा रहा हूँ each and everything on screen, और एक बंदा आके पहले से ही अगर मुझे प्रेशर डालने की कोशिश करेगा, नहीं ये ऐसे है और ये ऐसे है,
अंडरमाइन करने की कोशिश करेगा, माइंड गेम्स खेलने की कोशिश करेगा, तो मेरे प्यारे भाई आपको पता होना चाहिए कि मैं ये सारी खेलें एज ए मुसलमान खेल चुका हूं, मैं सारी खेलें एज ए मुसलमान खेल चुका हूं। मेरे साथ आके आप चलाकी नहीं चल सकते हैं, सारी दुनिया को पता है अगर आप मेरे से इज्जत और एहतराम से बात करेंगे मैं आपके साथ इज्जत और एहतराम से बात करूंगा, अगर आप मेरे साथ बदतमीजी करेंगे तो मेरे से बड़ा बदतमीज शख्स कोई नहीं है। तो प्लीज यहाँ पे आके ये मत गेम डालने की कोशिश करें कि अंडरमाइनिंग करने की कोशिश ना करें मुझे कि जनाब हम आपको पहले से प्रेशर कर दें ताकि आप जो है ना ये कर लें और वो कर लें, और जब आपका दिल करे आप आगे से स्टेटमेंट दे दें किसी किस्म की, वो गेम नहीं चल सकते आप यहाँ पे मेरे साथ। एटलीस्ट उसके लिए आपको कोई और चैनल ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पे मैं बात करता हूँ इज्जत और एहतराम के साथ। जब तक आप मेरे साथ इज्जत और एहतराम के साथ बात करेंगे, जब आपकी इज्जत और एहतराम से बात नहीं करेंगे मैं आपसे इज्जत और एहतराम से बात नहीं करूंगा। मैं ब्लास्फीमर्स के साथ ऊंधा लेवल का ब्लास्फीमर हूँ और इज्जत से बात करने वालों के साथ इज्जत से बात करता हूँ, मुझे ये बात रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर प्राउड मुसलमान, हेलो, ऊंची बोलिए सर। यहाँ पर दो आयरन की बात हो रही है, वैसे वो सही है रहता वाला बंदा, मैंने भी चेक किया। साबित कर दे, अगर से कुरान से साबित अगर से नहीं होगा, अगर मान लिया जाए तो... ओके थैंक यू, इसका मतलब है कुरान झूठा है। आप हर दफा नया नाम लेके आ जाते हैं, आपको आम का पता नहीं होता, सिर्फ आप किलकिल करते हैं। रेफरेंस के साथ आइए, आपसे जरूर बात सुनूंगा मुझे, वरना आपके साथ टाइम वेस्ट करने की मुझे बिल्कुल कोई वो नहीं है, क्योंकि आप लिटरली बच्चे हैं और आपके साथ कई दफा मैं साबित कर चुका हूँ कि आप बच्चे हैं। प्लीज आप चले जाएं सर।